हेलो दुरंद्रो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 26 दिसंबर है और हर रोज की तरह मैं अपने आपके सामने डेली करंट का तहलका लेकर आया हूं, जिसमें डेली करंट के क्वेश्चन होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं आपके पेपरों के लिए। मैं सैटरडे को मेरी क्लास नहीं होती, सैटरडे और संडे दोनों दिनों की करंट अफेयर आपके सामने मैं कवर करते हुए आज कराऊंगा, ठीक है। उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आज ही की क्लास में करवा दिए जाएंगे। मेरे क्लास के अंतर्गत हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होते हैं। टेलीग्राम पर जाओ, वहां पर पे अमित सर जी के या सर्च करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके सीधा आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो और आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो इसकी, ठीक है। आज की क्लास करंट अफेयर की लास्ट 128, मतलब आज समय सारी की सारी क्लास आपके सामने विद पीडीएफ के साथ पड़ी हुई है और टेलीग्राम पर है, फ्री है सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले मेरे भाइयों, मैं दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि हर रोज मैं अपनी क्लास से पहले करवाता हूँ, ठीक है। तो 1 दिसंबर को मैंने विश्व एड्स, जिस दिन मेरी करंट अफेयर 1 तारीख को मैंने कराई थी, उस दिन विश्व एड्स दिवस के बारे में भरपूर आपको प्रॉपर तरीके से बताया, डीपली वाइज एम, इसके क्या एम्स है, इसके क्या थीम्स क्या है, प्रॉपर तरीके से मैंने बताए हुए हैं कि पेपर में क्या पूछा जा सकता है इसको, इस दिवस के बारे में, ठीक है। तो 1 दिसंबर को आपको पता होगा विश्व एड्स दिवस होता है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और 2 दिसंबर को ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है, उसके साथ दासता के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 3 दिसंबर को विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संरक्षण दिवस होता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है। 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस होता है। ये इंपॉर्टेंट है डेज, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से रिविजन करवाता हूँ हर रोज। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस होता है। ये नागरिक उड्डयन दिवस कई बार क्वेश्चन में पेपरों में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से हर रोज मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस स्लाइड पे चलते हैं। तो 9 दिसंबर को बता दूं भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी मैं प्रॉपर तरीके इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। कब इस शताब्दी में किसने शुरू की, ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्यों इसको मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बारे में प्रॉपर तरीके से 19 दिसंबर की करंट अफेयर देखो, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी डीपली वाइज, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है, किस कारणवश मनाया जाता है, ठीक है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के बारे में मैंने बताया, ठीक है। वही 23 दिसंबर आज इसके बारे में बताऊंगा, किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्यादा देरी न करते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करता हूँ और प्रॉपर तरीके से हिंदी में मैं समझाता हूँ और इंग्लिश में प्रोवाइड कर देता हूँ आप सभी को, टेलीग्राम पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं कौन से, रोहित शर्मा, सैम कुर्रन, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज। तो ये आप सभी को पता होगी ऑलरेडी जो क्रिकेट का फैन है, ठीक है। तो सैम कुर्रन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द प्लेयर चुने गए थे टूर्नामेंट जो विश्व कप हुआ था 2022 के अंतर्गत, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो आयोजित किया गया था, आप सभी को पता होगी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो फाइनल मैच हुआ था उसमें इंग्लैंड जीती थी, ये भी आपके लिए मैंने उस टाइम बताया था, विश्व अफेयर में बता चुका हूँ, ठीक है। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट चीजें हैं एसएससी में, जो जीडी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि 23 दिसंबर को जो, जैसे कि आपको पता होगी आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था, ऑक्शन ऑक्शन का मतलब कि खिलाड़ियों की नीलामी लग रही थी उस दिन। आईपीएल का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि विश्व के अंतर्गत सबसे जानी मानी लीग है, ये आपको पता होगी, हर साल होती है, अपने भारत में होती है। और ये जो सैम कुर्रन है, इंग्लैंड की जो खिलाड़ी है, ऑलराउंडर जो खिलाड़ी है, इनको पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ में खरीदा है और सभी के मैंने रेट दे रखे हैं, आप देख सकते हो। तो पिछले साल जो क्रिस मॉरिस आपने सुने होंगे, उनको सबसे उस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी माना गया था, 16 करोड़ 25 लाख के वो खरीदे गए थे, ठीक है। इस समय जो है मतलब पूरी आईपीएल के ऑक्शन की मैं बात करूं तो दूसरे में सबसे महंगे खिलाड़ी है, ठीक है, सैम कुर्रन। अब फर्स्ट है क्योंकि 8.5 करोड़, 18.5 करोड़ के हैं और 16 करोड़ 25, ये क्रम वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ इस पर, ठीक है मेरे भाई। चलो इंग्लिश में आपके सामने है ही, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे, किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी,
या डॉक्टर मनमोहन सिंह या चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, आप सभी को पता होगी भारत के पांचवें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, इंपोर्टेंट है, यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। इनकी ही याद में फार्मर्स डे मनाया जाता है नेशनल। ये मैं थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं, जैसे लिखा भी है पांचवें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, की जयंती के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है हर 23 दिसंबर को, ठीक है। इस अवसर पर किसानों की भूमिका और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना, इसलिए अभियान आयोजित किए जाते हैं जगह जगह पूरे भारत के अंतर्गत इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए चौधरी चरण सिंह पांचवें प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, ठीक है। बेशक थे कुछ समय के लिए हो पर लेकिन रहे थे, और इन्हीं की याद में यह राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी खिलाड़ी, ये इंपोर्टेंट है, फोर्ब्स जो कि जानी मानी संस्था है उसके द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष टॉप 25 में से सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलेटिक की सूची 2022 में अपनी जगह बनाई है, वो भी भारत की खिलाड़ी है, इंपोर्टेंट है, आप सभी जानते हो इनके बारे में, काफी पॉपुलर है और काफी अच्छी खेलती है। तो पीवी सिंधु यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, बी राइट आंसर हो जाता है, पीवी सिंधु वो खिलाड़ी है जो टॉप 25 में जगह बनाने वाली है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनर का मतलब होता है आपको कि किस संस्था द्वारा या कौन सा खिलाड़ी है और कौन से स्थान पर आई है, ये क्वेश्चन आपसे प्रॉपर तरीके से पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इनके बारे में बता दूं, बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, और उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट के वार्षिक सूची में जगह पाने वाली एकमात्र खिलाड़ी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपके सामने रखी है क्वेश्चन। पीवी सिंधु के शीर्ष 25 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली वो 12वें स्थान पर रखा गया है पीवी सिंधु को, इसलिए, और ये भारत की पहली और एकमात्र खिलाड़ी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा शहर 24 दिसंबर को लोसार महोत्सव मना रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट, मनाया गया, ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया क्वेश्चन को, तो कोई नहीं। वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, लेह लद्दाख, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, इनके पहनावे से, इनकी संस्कृति से, इनके कपड़ों से, ठीक है। तो लद्दाख के अंतर्गत ये लोसार महोत्सव मनाया गया, 24 दिसंबर को मनाया गया, मतलब परसों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी को पता होगी जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी कहे जाने को तो लेह है, ठीक है। त्योहारी लद्दाख, लद्दाख की जो है नए साल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, बौद्ध समुदाय इसको सर्दियों में मनाया जाता है, ये भी आप सबको पता होती है। इनकी अपनी लद्दाख के जो है प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्यौहार होता है इनके लिए, ठीक है, बौद्ध समुदाय के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बौद्धिज्म सबसे ज्यादा वहीं पर मिलेंगे, कुल मिलाकर के मैं बताऊं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश में भी मोनप्पा जनजाति है, उसके द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, लद्दाख तो आप दे दोगे, ठीक है, बौद्ध समुदाय द्वारा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति लोसार उत्सव को मनाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो मोनप्पा वो जनजाति है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल सी टेट की मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है, आराम से प्रॉपर तरीके से हर टॉपिक को मैं क्लियर करता चल रहा हूँ, अपने क्वेश्चनों के द्वारा क्वेश्चन देता हूँ, फिर टॉपिक को रिलेट करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर, उससे भी लास्ट ईयर, ठीक है, उनको सभी को एनालिसिस करके मैंने पढ़ाया हुआ है। सी टेट के टेस्ट सीरीज मेरी 38 हो चुकी है, 39 भी आज करवाऊंगा मैं, और हर प्रॉपर तरीके से डीपली वाइज में समझाता हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से ले सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है, कंसंट्रेट के माध्यम से, थोड़ा सा ये है कि टाइम निकाल लोगे, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, और जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या आती है, किसी मैंने पहले भी बोला आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी, या करंट अफेयर हो या फिर मेरी ये हो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है क्लास से संबंधित हो, तो आप मेरे से कमेंट करके या फिर किसी भी मेरे या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कहीं पर टेलीग्राम पर ऑलमोस्ट आप पूछ सकते हो, ठीक है, आपको कोई भी शिकायत हो किसी भी तरीका की, जीके से रिलेटेड गाइडेंस लेनी हो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है, देखो इंपोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, यहाँ पर जो है इंपोर्टेंट है मणिपुर, आप सभी को पहले भी मैं बता चुका हूँ इनर लाइन परमिट के बारे में, सिस्टम जो सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया है ये है क्या चीज, ये इनर लाइन परमिट ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर जो राज्य है वहां पर ये लागू किया जाना है, यात्रियों के लिए जो पिलग्रिम्स होते हैं वहां पर घूमने के लिए जाते हैं या बाहर से कोई आता
करदाता, उनकी सुविधाओं के लिए ये इनर लाइन परमिट लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मणिपुर राज्य के अंतर्गत किया गया है। जैसे कि नीचे दिया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है किस राज्य में हुआ है इनर लाइन परमिट सबसे पहले, तो वो मणिपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीर गार्जियन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये अभ्यास। ठीक है, इंपोर्टेंट है सबसे पहले। ठीक है, वीर गार्जियन 2023 अभ्यास जो है, एक्सरसाइज जो है, भारत और किस देश के बीच में होने वाली पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। हवाई अभ्यास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेपाल है, जापान है, सऊदी अरब है या फिर अमेरिका, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी, जापान के साथ भारत पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास शुरू कर रहा है। इम्पोर्टेंट है यह अभ्यास। 16 डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी बच्चा डिफेंस से रिलेटेड तैयारी कर रहा है उसके लिए पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अभ्यास 16 से 26 जनवरी तक हयाकरा एयरबेस, इसके आसपास के हवाई क्षेत्र ओटोमिया इरुमा एयरबेस श्यामा में आयोजित किया जाएगा। जापान की जो एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है उसके साथ अभ्यास का उद्देश्य है कि रक्षा सहयोग का मजबूत करना, सामरिक कौशलों को बढ़ावा देना, कुल मिलाकर एक दूसरे की स्किल को बांटना, एक दूसरे को एक्सपीरियंस को शेयर करना। अब एक्सरसाइज का मतलब महत्व यही होता है, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को शेयर करना। ठीक है, अब एक्सरसाइज मैन इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। भारत और जापान दोनों सेना नौसेना सत्र के अभ्यास में आयोजित करते हैं। एक बात और बता दूं, 2018 में द्विपक्षीय सेना अभ्यास शुरू किया गया था, जबकि भारतीय नौसेना 2012 से हर साल जापान के साथ भारत समुद्री अभ्यास करता है, जिसको जिमेक्स बोलते हैं। जिमेक्स बोलते हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी सभी के सभी अभ्यास करवाए हुए हैं विश्व अफेयर के अंतर्गत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इंपोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली के किस स्टेडियम में शुरू किया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट को लेकर के है, तो इंद्रप्रस्थ स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू या अम्बेडकर, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो कि नई दिल्ली के किसी स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण है, 23 दिसंबर को नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ। महोत्सव का उद्देश्य है उत्तर पूर्व क्षेत्र को विविध जीवन संस्कृति परंपराओं पर्यटन को बढ़ावा देना। 4 दिवसीय संस्कृति उत्सव यह 4 दिन का होगा और दिल्ली में उत्तर पूर्व भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्कृति संसाधनों को प्रदर्शन करेगा। इस फेस्टिवल के अंतर्गत ये चीज होने वाली है। ठीक है मेरे भैया, 10वां संस्करण है, नई दिल्ली के अंतर्गत है, स्टेडियम आपको बता चुका हूँ, और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये मनाया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय लेख सुदीप सेन और शोभना कुमार ने संयुक्त रूप से कौन सा पुरस्कार 2021-22 जीता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही दोनों के अच्छे लेखक हैं और इनको मिलने वाला जो पुरस्कार है वो है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। इसके बारे में प्रॉपर तरीके से एक मेन पेज लेकर आया हूँ, इसके इनके पुरस्कार के बारे में प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, सुदीप सेन और शोभना कुमारी दोनों को, इनकी किताबें हैं, एक सुदीप सेन की है किताब एंथ्रोपोसिशन, जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट कशिलोशन के बारे में बताया गया। ठीक है, और यह पिपर एंड बक्स यूके द्वारा प्रकाशित किया गया था। पुस्तक जलवायु परिवर्तन और महामारी को केंद्रित करती है, सुदीप सेन जी की मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शोभना कुमारी की बात करूं, पुस्तक उनकी ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट है, रेड रिवर 2021 के ऊपर यह इनको पुरस्कार दिया गया है। शोभना कुमारी की जीविका कला के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर प्राइज दिया गया इन दोनों को। बात करो यह जो है साहित्य और सामाजिक उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। विजेताओं को $10,000 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, और उपन्यास, लघु कथाएं, कविता, नाटक भारतीय लेखकों के प्रकाशित कार्य को प्रतिवर्ष किया जाता है। 2020 में इसे राजकमल झा ने जीता था, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। पॉइंट जितने भी मैं करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड ही होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या पता एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन आपके सामने रख दे। भारत की पहली मुस्लिम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज निशान लगा लेना, भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी, जो कि सानिया मिर्जा है, ज्वाला गुट्टा है, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा दो बार आ गया, तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा वो मत समझ लेना। ठीक है, जो प्लेयर है
सानी मिर्जा ये है यूपी की है, मिर्जापुर से जिले से रहने वाली सानी मिर्जा भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर चयन हुई है और वह भारत की पहली मुस्लिम लड़ाकी फाइटर पायलट, उत्तर प्रदेश की पहली IAF पायलट बनेंगी, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इससे पहले भावना कंठ का नाम सुना होगा, मोहना सिंह का नाम सुना होगा और अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट थी। उन्होंने जून 2016 में भारतीय वायुसेना को लड़ाकू स्वाइन स्वाइन में शामिल किया गया था। और शिवांगी सिंह जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट इनका नाम, राफेल लड़ाकू विमान चलाने वाली भारत की पहली महिला पायलट है। ठीक है मेरे भाई, देखो सभी के सभी नाम मैंने आपको दे दिए हैं, जो 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 इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सभी के पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा डिस्कशन बहुत जरूरी है, आपको जितना भी मैं बता सकूँ, जितने भी अपनी तरफ से मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ वो जुबानी है, जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार का कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है? देखो इंपॉर्टेंट है, आजकल वायरस कोरोना भी बहुत फैल रहा है, आप सभी को पता होगी। ठीक है, बिल्कुल प्लीज सेफ और यूज मास्क प्लीज। ठीक है, मास्क को जरूर लगाएं, कहीं भी आप घर से बाहर निकलते हो मास्क जरूरी है। ठीक है, कोरोना के फिर से वो पेशेंट आने लगे, कुल मिलाकर अपना रंग दिखाने लगा है कुछ हद तक, तो अवेयरनेस जरूरी है। ठीक मेरे भाई, अपने माइंड को बिल्कुल सेटअप कर लिया करो, क्योंकि ये इन्हीं दिनों में तो ये चला था 2019 में, आप सभी को पता होगी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है सभी चीजें। तो ये जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है किसके कारण होता है? गले का कैंसर, लंग के कैंसर, लीवर कैंसर या सर्वाइकल कैंसर? ये सर्वाइकल कैंसर आप सबको प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, सर्वाइकल कैंसर होता है। इसमें मैंने लिखा है कि अधिकांश सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जुड़े होते हैं और HBV वैक्सीन इसके अधिकांश मामलों को रोक सकता है। यदि लड़कियों और महिलाओं के इस वायरस से संपर्क में आने से इसे पहले उन्हें यह वैक्सीन लगा दिया जाता है तो टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीक सलाहकार समूह 9 से 14 वर्षों की किशोरियों के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP में HPV वैक्सीन शुरू करने की सिफारिश की है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि 9 से 14 जैसे पोलियो होता है उनकी खुराक दी जाती है, उसी प्रकार से ये वायरस न हो उससे पहले 9 से 14 वर्ष जो डेट दी है, सॉरी एज दी है, उसके अंतर्गत ये वैक्सीन लगा दी जाएगी, तो इन फ्यूचर में उनको कभी ये शिकायत नहीं आएगी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, जो भी मैं बता रहा हूँ अपने भाई को, जो भी वायरस है, जो भी कुछ है, या फिर ये किस कारण है, कौन सी वैक्सीन के कारण रुक सकता है, कितनी एज के बच्चों को ये लग सकता है, ठीक है, ये सभी को सभी जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड करवाता हूँ पॉइंट के अनुसार में, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो आज के क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाई, और आशा करता हूँ आज की क्लास में हर क्वेश्चन आपके पॉइंट के अनुसार समझ में आए होंगे, और नहीं आता तो मेरे से पूछ सकता है इन कमेंट में या फिर टेलीग्राम से। ठीक है, तो विदा लूँ अपने भाई से, नमस्ते, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।